धर्म जी, आप सेहत में फिट, एक्टिंग में फिट, डांस में फिट, हर डायलॉग लिखने में फिट, ये सियासत में अनफिट कैसे हो गए? मैंने सियासत के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी आऊँगा, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन कुछ भाइयों ने मुझे मिले जब, तो मैंने कहा यार वहाँ अच्छे लोग कम होते हैं, तो बोले अच्छे लोग आएंगे नहीं तो अच्छा कैसे होगा। वो बात मुझे ऐसे लगी जैसे मैं ही एक बस मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, मैं जाऊँगा तो हिंदुस्तान को ठीक कर दूँ। मगर ये जज्बाती लोगों का काम नहीं, यहाँ पे तो थिक स्किन होना पड़ता थोड़ा, यहाँ की बात कुछ भी कर गुजरते हैं ये। लेकिन ये 5 साल मेरी ज़िंदगी के मुश्किल घड़ियाँ थी, और इन 5 सालों में मैंने बीकानेर के लिए जो कुछ किया है उस मैं ही जानता हूँ। अगर कोई आपका जाए अभी जायज़ा लेकर आए तो उसके मालूम होगा उस 5 साल में क्या क्या काम हुए हैं, बेपना काम हुए हैं। फिर भी श्रेय नहीं मुझे मिला, काम मैं कर लेता था, पत्थर अपना नाम का कोई और लगवा जाते थे। तो मैंने कौन से पत्थर देखने आना है, लगा रहे पत्थर में मट्टी पड़ेगी हो जाएगा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको मुद्दा बना के जीतते आ रहे थे लोग कि वहाँ एक सूर सागर है, वो एक बीकानेर की रीढ़ की हड्डी पर एक फोड़े की तरह था, और लोग दुखी थे, घर छोड़ के जा रहे थे। उस जगह एक खूबसूरत जगह बना दिया मैंने, उसको बहुत खूबसूरत कर दिया, अभी लोग खुश हैं, वापस आ गए हैं, घरों की प्राइस बढ़ गई है, सड़कें ये वो काफ़ी कुछ किया है मैंने, मगर बहुत मुश्किल मेरा गुजरे मेरा। मैं जिस वक्त हाँ कर बैठा उस वक्त मैंने बाथरूम में अब शीशे में अपना सर मारा था, जहाँ रूह सहमत नहीं वहाँ उसकी रहमत नहीं। मेरी रूह सहमत नहीं थी, मैं मान गया। इसलिए सहमत नहीं थी क्योंकि आप कहते थे एक्टिंग मेरी महबूबा है, जी हाँ, तो सियासत आपकी स्वतंत्र